नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सिलीगुड़ी के लोगों के लिए एक खास और स्पेशल वीडियो लाया हूं। अगर आपको मैरिज या कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है तो इसमें सारे लीगल एस्पेक्ट मैंने कवर किया है। एक बार पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और आप मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना चाहते हैं, तो दो तरीका है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पे मैरिज से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस चैनल पे जा सकते हैं और अन्य वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अन्य वीडियोज में भी आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर आप सिलीगुड़ी में मैरिज करना है, लव मैरिज करना है, तो दो मेथड है। पहला मेथड तो यही है कि मैरिज कर लें और मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लें। ये ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में बहुत कम होता है। ऑफलाइन मोड में होने का मतलब ये है कि आपको मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे जाकर के आपको अपने मैरिज के प्रूफ देने हैं और प्रूफ देकर के मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लेना है। विद इन ए वीक ये सारा प्रोसेस आपका डन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल मैरिज एक्ट को फॉलो करना होगा। उसमें पहले आपको एप्लीकेशन देना होगा, उसके 30 दिन के बाद से आपको दोबारा बुलाया जाएगा और फिर जाकर के आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन का या कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये 30 दिन से बढ़कर के 60 दिन तक का भी समय हो जाता है। ये ऑफलाइन मोड में होता है। इन सभी प्रोसेस को करने के लिए डॉक्यूमेंट एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए डॉक्यूमेंट और एज और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहाँ पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए ज़रूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे। और हाई कोर्ट के को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको वो प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं, जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की
चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।